गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर क्लास ट्वेल्थ हिंदी मीडियम, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, क्लियर? यानी जो लास्ट लेक्चर में हुआ था वो उसमें सोयल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका था, क्लियर है? यानी कि सोयल जो उत्पादकता और उर्वरता थी उसमें डिफरेंस हो गया था, क्लियर? जो उसका आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें पढ़ते हैं हम, जो फर्स्ट चैप्टर में आता है वो होता है सीड, यानी बीज। बीज क्या है? प्लांट्स यानी पौधे का वह भाग, यानी पौधे का वह पार्ट, प्लांट्स का वह पार्ट जो अपने समान बिल्कुल सेम हुआ हो, खुद के जैसा समान स्वस्थ पौधा डेवलप कर दे, क्लियर? यानी बीज हम उसको बोल सकते हैं जैसे जो प्लांट्स का वह पार्ट, यानी प्लांट्स का वह भाग जो खुद के समान यानी अपने समान रूप स्वस्थ पौधे को जन्म दे सके वो बीज कहलाता है, क्लियर? यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, पौधे का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म दे सकता हो, या पौधे का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म दे सके, या अपने समान समान रूप के स्वस्थ पौधे के स्वस्थ पौधे स्वस्थ पौधे को बना सके बीज कहलाता है। क्लियर है? इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है हमारे को कि ये होगा ना वो कायिक भाग होगा, क्लियर है? यानी जैसे दाना फल, इसमें हम ये बोल सकते हैं इसके अंतर्गत जो दाना हो सकता है उसका फल हो सकता है, क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सीड, यानी कि गुड क्वालिटी का सीड्स, यानी अच्छी गुणवत्ता का सीड, यानी बीज कौन सा होता है, यानी उसमें एक अच्छे बीज में क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उत्तम क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, क्लियर? उसको डिस्कस करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यानी बीज में, उत्तम बीज में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है? जो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है वो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, वो है जिस, यानी कि उत्तम बीज वो है जिसमें आनुवंशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी 100% हो, क्लियर? एंड जो सेकंड पॉइंट है वो हुआ है, ये है कि जो बीज का बाहरी आकार है ना, वो बाहरी आकार एवं जो उसमें बीज में अवशेष वगैरह, यानी किसी फसल का, कोई फसल का बीज है तो उसमें दूसरी फसल या अवशेष वगैरह, कंकड़ पत्थर कचरा नहीं होना चाहिए, क्लियर? एंड जो थर्ड पॉइंट है जो वो है, बीज चमकदार होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, क्लियर? एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है, जो बीज है ना
सीड वो रोगाणु रहित होना चाहिए। क्लियर? यानी समझो, जैसे कोई भी वेराइटी यानी कि हम कोई किसी भी वेराइटी का बीज खरीद के लाए, वो रोगाणु रहित यानी कि पहले से उसमें फंगस वगैरह नहीं होना चाहिए, जिसके कारण अगर उसमें पहले से ही फंगस वगैरह होंगे तो जो बीज से जो बनेगी ना, यानी कि जो हमारे को फसल होगी वो अच्छे से नहीं होगी। क्लियर है ना? तो उसमें वो अच्छे से उगेगा, क्लियर है ना? उसमें जो बीज है, जो बीज से प्लांट्स बनेगा, वो भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ना तो ग्रोथ कर पाएगा, ना उसमें डेवलपमेंट होगा, ना उसमें विकास होगा। क्लियर? एंड जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है बीज में जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए, या बीज की जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए। क्लियर? यानी जो बीज है ना उसकी जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए। जैसे हमने कहीं पे बीज की सोइंग कर दी, बीज की बुवाई कर दी, बाय चांस वहां पे थोड़ा जैसे जो सोइल में नमी है, यानी कि जो मॉइस्चर की मात्रा है ना, नमी की मात्रा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है या बरसात नहीं पड़ती है, तो जिसके कारण वो सीड की डोरमेंसी में नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसकी अंकुरण क्षमता खत्म नहीं होनी चाहिए जल्दी। क्लियर है? यानी जैसे यूं मानो कि जैसे आज बोया हमने सीड, ठीक है, सीड की सोइंग आज की, तो उसके 10 से 20 दिन तक बरसात नहीं पड़ी। क्लियर? 10 से 20 दिन तक बरसात नहीं पड़ी तो उसमें जो बीज है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर 20 दिन बाद में बरसात पड़ती है, 20 दिन में बरसात होती है, तो वो सीड है ना जो बोया है हमने, सीड की सोइंग की है, वो उग जाना चाहिए, जिसकी अंकुरण क्षमता है वो भी अधिक होनी चाहिए। क्लियर? एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बीज में परिपक्वता होनी, जो परिपक्वता का गुण है वो भी होना चाहिए। बीज में परिपक्वता का गुण होना चाहिए। क्लियर है? यानी जो बीज में मेच्योरिटी है ना वो भी टाइम पे आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बीज में पहले मेच्योरिटी आ गई है, लेट मेच्योरिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा लेट मेच्योरिटी आ रही है, तो बीज में परिपक्वता है ना वो टाइम पे आनी चाहिए। क्लियर? जो इसके आगे है वो देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ सीड यानी बीज के प्रकार। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सीड यानी बीज के प्रकार, उससे पहले एक पॉइंट और है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बीजोत्पादन। यानी जो बीज का उत्पादन है इसको हम बोल सकते हैं, सीधा सा बोल सकते हैं, बीज का उत्पादन करना, बीज का उत्पादन करना। यानी समझो, यानी कोई भी बीज है उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो जो बीज है ना वो आगे बढ़े, यानी कि उसमें बीजों को बीज जो हम बो रहे हैं ना सीड, उसमें सीड आए, जिसके कारण जो बीज है ना बीज की क्षमता है वो बढ़े, बीज की क्षमता बढ़ेगी तो बीज की मात्रा है वो भी बढ़ेगी। क्लियर है? यानी उसमें जो बीज की उत्पादन प्रक्रिया है ना उसको भी तो हमारे को आगे कंटिन्यू करना है, आगे ले जाना है, ठीक है? यानी कि उसमें जो बीज है ना उसमें उत्पादन की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्लियर? यानी उसमें बीजों की जो मात्रा है ना, बीजों की मात्रा है ये भी बोल सकते हैं हम, बीजों की मात्रा को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, क्लियर? बीजोत्पादन के अंतर्गत मेनली तीन बातें वो हैं। फर्स्ट यानी कि हम बोल सकते हैं बीजोत्पादन को शॉर्ट वे में बीज का उत्पादन करना। क्लियर? एंड जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है कि बीज होना चाहिए कि उसमें जो बीज की मात्रा है ना उसको भी बढ़ा सकें, जिसके कारण हम जो
बीज की मात्रा बढ़ेगी तो उसको हम आगे यूज ले सकें। क्लियर है। एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है बीज के प्रकार। बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड्स। क्लियर। जो मेनली यानी जो बीज है ना, बीज के टाइप्स हैं वो मेनली जो हम पढ़ते हैं वो हैं 4 टाइप्स। क्लियर है। वो अलग बात है कभी कभी कोई सी बुक में यहाँ पर 5 टाइप्स के भी होते हैं, ठीक है। वो आगे आगे जब बीज का भी कराऊंगा जब बता दूंगा पूरा, ठीक है। मेनली 4 टाइप्स के बीज होते हैं। क्लियर है। जो टाइप्स ऑफ सीड्स हैं वो होते हैं, पहला होता है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड आधारीय बीज। ठीक है। एंड जो सेकंड होता है वो है, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस सीड है ना, इसका हिंदी में नाम होता है मूल केंद्रकीय बीज। मूल केंद्रकीय बीज। क्लियर है। एंड जो सेकंड बीज है वो है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज, इसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। क्लियर। एंड जो थर्ड बीज है इसका, जो थर्ड टाइप्स ऑफ सीड है वो है आधारीय बीज। आधारीय बीज। क्लियर। एंड जो फोर्थ सीड है, जो टाइप्स ऑफ फोर्थ है वो, जो इसका फोर्थ टाइप का बीज, जो फोर्थ टाइप का सीड है वो है इसका प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज। क्लियर। तो ये फोर्थ टाइप्स के तो बीज ये होते हैं। एंड जो बहुत से बीज होते, जो बहुत से में 5 टाइप्स के बीज, जो 5 टाइप्स के बीज लिखे रहते हैं वो होते हैं फिफ्थ टाइप का मानते हैं हम किसको, वो होता है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड। क्लियर है। इनको अभी बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। तो रजिस्टर्ड सीड्स है ना, ये अपने इंडिया में नहीं पाया जाता, यानी नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में यह नहीं पाया जाता है। क्लियर। एंड जो इसका टैग कलर होता है ना, रजिस्टर्ड सीड का टैग कलर वो होता है पर्पल ऑरेंज। क्लियर है। यानी जो इसकी थैली का कलर होता है ना, वो पर्पल ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर। जो अभी टाइप्स ऑफ सीड लिखाए थे मैंने 4 प्रकार के, वो एक एक बीज को लेके हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। जो टाइप्स ऑफ बीज हैं उसमें फर्स्ट पे आता है मूल केंद्रकीय बीज, ठीक है। इसको डिटेल से अध्ययन करते हैं। इसका जो ये मूल केंद्रकीय बीज होता है ना, इसका उत्पादन किया जाता है उन्नत किस्मों से। क्लियर है। उन्नत किस्मों से इसका उत्पादन किया जाता है। एंड उन्नत किस्मों से उत्पादन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड जो सेकंड पॉइंट है इसमें, यह 100% शुद्ध होता है। क्लियर। यानी इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है ना, वो 100% होती है। क्लियर। एंड जो थर्ड पॉइंट है ना, जो थर्ड पॉइंट है वो है इसका उत्पादन प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। क्लियर है। फर्स्ट जो पहले टाइप का बीज था वो क्लियर हो चुका है, यानी ये इसका उत्पादन उन्नत किस्मों से किया जाता है। क्लियर।
एंड जो इसमें जेनेटिक प्योरिटी होती है ना वो 100% होती है, क्लियर है। एंड जो इसमें शुद्धता है ना, शुद्धता प्योरिटी है, वो भी 100% होती है। जो इसका उत्पादन होता है ना, हम इसको यानी कि जो हम इसका उत्पादन करते हैं वो प्रजनक की देखरेख में होता है, क्लियर है। एंड उसका सेकेंड टाइप का बीज है वो है प्रजनक बीज, जिसको हम इंग्लिश में ब्रीडा सीड्स बोलते हैं। जो इसका उत्पादन होता है ना, यानी जो प्रजनक बीज होता है, इसका गुणन होता है ना, वो मूल केंद्र के बीज के आधार पर किया जाता है, यानी मूल केंद्र की है बीज से इसका गुणन किया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन जो अपन मूल केंद्र के सीड्स लेते हैं उससे करते हैं, क्लियर है। एंड जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है, जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये तो क्लियर है, एंड सेकंड पॉइंट आता है वो है इसमें जो इसकी जेनेटिक प्योरिटी है ना, आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता वो 100% होती है इसमें, क्लियर। एंड जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है, जो इसका थर्ड पॉइंट आता है वो है जो इसका टैग कलर होता है ना, बीज की थैलियों का कलर होता है वो सुनहरे पीले रंग का होता है, क्लियर। यानी जो इसका बीज की थैलियों का रंग होता है ना वो सुनहरे पीले रंग का होता है, क्लियर। एंड जो थर्ड बीज, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है जो बीज का जो टैग कलर होता है ना, बीज की थैली का टैग कलर होता है वो सुनहरे पीले रंग का होता है, क्लियर है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है इसका, जो ये प्रजनक बीज है ना, प्रजनक बीज है, इसका जो ये आधार बनता है, इसका आधार ये बीज का स्रोत होता है, यानी जो जैसे हमने मूल केंद्र के बीज से इसका गुणन किया, तो जो हम आगे वाला सीड लेंगे ना, यानी कि जो आधारीय बीज होगा वो प्रजनक बीज के लिए, प्रजनक सीड का उसका स्रोत होगा, क्लियर है। जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो आधारीय बीज होता है ना, इसका स्रोत होता है, यानी कि जो इसका गुणन करते हैं ना अपन, वो करते हैं प्रजनक बीज से, प्रजनक बीज से इसका गुणन करते हैं, क्लियर। जो इसका गुणन करते हैं ना वो करते हैं रिसर्च सेंटर्स में, रिसर्च सेंटर, क्लियर है। सेकंड पॉइंट रिसर्च सेंटर्स में इसका गुणन करते हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है जो इसका थैली का कलर होता है ना, टैग कलर, जो इसके थैले का रंग होता है, थैले का रंग होता है वो होता है वाइट कलर का, सफेद रंग का, क्लियर। एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है ना, आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता वो 98% होती है, क्लियर। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सीड है वो है प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। जो प्रमाणित बीज है ना, इसका गुणन किया जाता है आधारीय बीज से, आधारीय बीज से इसका गुणन किया जाता है, क्लियर। एंड जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है, यानी जो हम इसका, जो इसका गुणन करते हैं ना वो करते हैं आरएसएससी,
एंड NSC वगैरह, यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन या राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन वगैरह जो ये संस्थाएं होती हैं वहाँ पे इनका गुणन करते हैं। क्लियर है। एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है प्रमाणित बीज का, इसका टैग कलर होता है यानी जो इसके थैले का रंग होता है ना, थैले का रंग होता है वो होता है नीले रंग का। क्लियर। टाइप्स ऑफ सीड हो चुके हैं, फोर टाइप्स के जो सीड्स थे वो बता चुका हूँ पूरा। एंड में जो फिफ्थ टाइप का सीड्स था वो भी डिस्कस किया था मैंने, रजिस्टर्ड सीड। इसको हम टाइप्स में नहीं मानते हैं, ठीक है। बहुत से वहाँ पे बहुत सी बुक में होती हैं जिनमें इसको टाइप्स ऑफ सीड्स में मानते हैं, इसके बारे में बताया था मैंने। यानी जो इसका टैग कलर है वो पर्पल ऑरेंज कलर का है, टैग कलर है इसमें पर्पल ऑरेंज। क्लियर। एंड जो रजिस्टर्ड सीड है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी जो इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। क्लियर है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। जो तुम्हारा सीड वाला पार्ट है वो हो चुका है, सीड में थोड़ा सा रह रहा है, सीड डोरमेंसी वगैरह जो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा 12th का हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू।